यदि तुम्हें कोई फूल प्रिय है तो उसे मत उठाओ, क्योंकि यदि आप इसे उठाते हैं तो यह मर जाता है और यह वह नहीं रह जाता जिसे आप पसंद करते हैं। इसलिए यदि तुम्हें एक फूल से प्रेम है तो उसे रहने दो। प्यार कब्जे के बारे में नहीं है, प्यार सराहना के बारे में है। जीवन को सभी संभावित तरीकों से अनुभव करें, अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, अंधेरा उजाला, गर्मी सर्दी, सभी द्वंद्वों का अनुभव करें। अनुभव से डरो मत, क्योंकि आपके पास जितना अधिक अनुभव होगा आप उतने ही अधिक परिपक्व होंगे। दुख गहराई देता है, खुशी ऊंचाई देता है। दुख जड़े देता है, खुशियाँ शाखाएं देती है। सुख आकाश में जा रहे वृक्ष के समान है और दुख धरती के गर्भ में जा रही जड़ों के समान है। दोनों की आवश्यकता है और एक पेड़ जितना ऊपर जाता है उतना ही गहरा होता जाता है। एक साथ पेड़ जितना बड़ा होगा उसकी जड़ें भी उतनी ही बड़ी होंगी। दरअसल यह हमेशा अनुपात में होता है, यही इसका संतुलन है। रचनात्मक होने का अर्थ है जीवन से प्यार करना। आप केवल तभी रचनात्मक हो सकते हैं यदि आप जीवन से इतना प्यार करते हैं कि आप इसकी सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, आप इसमें थोड़ा और संगीत लाना चाहते हैं, इसमें थोड़ा और कविता लाना चाहते हैं, इसमें थोड़ा और नृत्य करना चाहते हैं। बनो, बनने की कोशिश मत करो। दोस्ती सबसे पवित्र प्यार है, यह प्रेम का उच्चतम रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ व्यक्ति बस देने का आनंद लेता है। मैं बस यह कह रहा हूँ कि स्वस्थ रहने का एक तरीका है। मैं यह कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर अतीत द्वारा पैदा किए गए इस सारे पागलपन से छुटकारा पा सकते हैं, बस अपनी विचार प्रक्रियाओं का एक साधारण साक्षी बनकर। यह बस चुपचाप बैठे रहना, विचारों को आपके सामने से गुजरते हुए देखना है, केवल साक्षी देना, हस्तक्षेप न करना, निर्णय भी नहीं करना, क्योंकि जिस क्षण आप निर्णय करते हैं आप शुद्ध साक्षी खो देते हैं। जिस क्षण आप कहते हैं यह अच्छा है या बुरा है, आप पहले से ही विचार प्रक्रिया पर कूद पड़े हैं। साक्षी और मन के बीच अंतर पैदा करने में थोड़ा समय लगता है। एक बार जब अंतराल आ जाता है तो आप एक बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आप मन नहीं है, कि आप साक्षी हैं, दृष्टा हैं। और देखने की यह प्रक्रिया ही वास्तविक धर्म की कमियां है, क्योंकि जैसे जैसे आप साक्षी भाव में अधिक से अधिक गहराई से जड़ जमाते हैं, विचार गायब होने लगते हैं। तुम हो लेकिन मन बिल्कुल खाली है, वह आत्मज्ञान का क्षण है। यही वह क्षण है जब आप पहली बार एक बिना शर्त समझदार वास्तव में स्वतंत्र इंसान बनते हैं।